हूँ अनम और आप देख रहे हैं अनम जो आप ब्लॉग्स। मैं आ गई हूँ लखनऊ से थोड़ा दूर चिनट रोड पर, जो एक रेस्टोरेंट है उसका नाम है देहाती रेस्टोरेंट। आपको यहाँ पे आने के बाद देहाती वाइब्स मिलेंगी। तो बहुत शोर वगैरह के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ, इतना ट्रैफिक मिला है रास्ते में। उसके बाद हम आए देहात में, तो अब देहात में आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं अंदर कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। करिए आप यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से, जैसे गांव में लालटेन वगैरह रखे रहते हैं वैसे यहाँ पे एक तो आपको दिखेगी, साथ में जो पेंटिंग्स गांव में बनी रहती है वैसी वाइब्स आने वाली हैं। तो हम आए हैं दोपहर में, वरना यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए आप डिज़ाइन बनी हुई है, यहाँ पर आपका स्वागतम है और ये इसका गेट लगा हुआ है, बड़ा सा जो ह्यूज गेट है। और अब हम आपको ले चल रहे हैं अंदर। जैसे ही मैंने एंट्री ली, मैंने देखा वहाँ पे सच में बिल्कुल गांव की तरह सब कुछ बना हुआ है। आप देख सकते हैं सिल बट्टा रखा हुआ था और उस पर चटनी पीस रही थी, और वहाँ पलंग पड़ा हुआ है और एक वेल बना हुआ है जिसे हम कुआं कहते हैं, रसोई घर। तो पूरा गांव पे बेस्ड है और बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर जाने के बाद आपको काफ़ी फील होगा कि हाँ आप थोड़ा सा कोई विलेज में आ गए हो, बिकॉज मॉडर्न कैफ़े वगैरह तो हम जाते ही रहते हैं। तो थोड़ा अगर आपको कुछ हट के जाना तो ये प्लेस अच्छी है। वॉश बेसिन भी रखा है जिसके साथ इन्होंने एक एरिया दे रखा है, जहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन है जो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ये इनका सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप देखिए ऐसे लैंप वगैरह लगे हुए हैं और ये पूरी पेंटिंग बनी हुई है और ये सीट्स पड़ी हुई हैं जिसपे आप बैठ सकते हैं। अभी मैं इनका मेन्यू भी आपको दिखाऊँगी पूरा, कितना कलरफुल बना हुआ है यहाँ पर सिटिंग एरिया बैठने का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पब्लिक बैठती है पूरी, और बीच में इन्होंने यहाँ पे एक पलंग भी दे रखा है, अगर आपको इस पर बैठ के अपनी मील एंजॉय करनी है, खाना पीना है, तो आप इस पर भी एंजॉय कर सकते हैं। सो अब ये इनका मेन्यू है देहाती रेस्टोरेंट, और मुझे इतना अच्छे से पता है कि यहाँ पे देहाती रेस्टोरेंट नाम है, तो आपको पता ही है कि ट्रेडिशनल इंडियन फूड जो हमारा है वो मिलता है। तो हम देखते हैं कि इनकी स्पेशलिटी क्या है। तो बाकी मैंने अभी यहाँ पे देखा तो दाल है, सब्जी है, भात है। आप मतलब यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें खाने आ सकते हो, जैसे आप बेसन की रोटी के शौकीन हो तो आप आ जाओ, बाजरे की रोटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी और बहुत अच्छा प्राइस है, 20 रुपीज़ की रोटी मिल रही है, बहुत अच्छा है। और बाकी अगर आपको थाल खानी है तो वो आपको इतना सारा आइटम मिलेगा इसमें खाने में, जिसमें आपको मैं दिखाऊँगी अभी मैंने क्या मंगाया। तो ये थाल के प्राइस लिखे हुए हैं, ये आपको यहाँ पर बाटी चोखा भी मिल जाएगा और चूरमा भी मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो थोड़ा सा थीम पे बेस्ड है ट्रेडिशनल, और अगर आप शहर से थोड़ा सा सुकून अपनी खाना पीना एंजॉय करना चाहते हैं गांव स्टाइल में, तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। तो आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई है कलरफुल, और यहाँ पर इन्होंने लाइट से लैम्प दे रखा है, बीच में अच्छा सा पेड़ दे रखा है गाँव की वाइब के लिए। यहाँ पर आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, कितना अच्छा फोटोज़ आएगा। आज मैं थोड़ा सा इसलिए देसी बनकर आई हूँ, मैं गाँव का मज़ा लेने आई हूँ, यहाँ पे क्या खाते गाँव में और कैसा वाइब्स है, एम्बियंस है, तो एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। और अभी वो ओपन हुआ है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा है। मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे मिट्टी की वाटर बॉटल देखी और उसमें पानी भी था, तो वो बोल रहे थे आपको इससे पानी पीना है कि मिनरल वाटर पीना है, तो ऑफ कोर्स मैंने मिनरल वाटर मंगाया क्योंकि वाटर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। बाकी जिसे यहाँ का पानी पीना है तो वो भी पी सकते हैं, इसमें पानी था। और वो हमारी थाल आ गई और हमें सर्व किया गया चना, पहले उन्होंने हमें चना सर्व किया, उसके बाद हमें उन्होंने बॉयल्ड मूंगफली के जो दाने होते हैं वो सर्व किए। थाल आ गई है और ये इन्होंने हमें छाछ दी है जो आप देख सकते हो रखी हुई है, इसको
और ये हमारी थाल आ गई है, और इस थाल में इन्होंने अभी हमें चना दिया है, और ये लिए अभी और भी आइटम्स आ रहे हैं हमारे। ये बेसन का बनता है। अच्छा, बेसन का है, गट्टे की सब्जी है हमारी। ठीक है, ये सीजनल सब्जी हमारा तुरई की है। अच्छा, गांव में नेनुआ बोलते हैं। अच्छा, गांव वाली है तुरई। एक कढ़ी है मैम, बेसिकली यूपी के ही डिशेज हैं सर। जी जी, और ये कढ़ी है हमारी। हाँ, ये हमारा छोला है। छोला, चोखा मैम। चोखा है हमारा। ये हरी मूंग की खिचड़ी मैम। अच्छा, हरे मूंग की खिचड़ी है जी। अच्छा, चावल है। ये दाल हमारी कौन सी है? ये अरहर की दाल है। अरहर की दाल है। ये सत्तू की बाटी है जी। अच्छा, सिंघाड़े की रोटी है। हाँ, बड़ी डिफरेंट है ये। यहाँ रेस्टोरेंट में हमें आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, तभी मैं यहाँ आई हूँ। सिंघाड़े की रोटी, बेसन की रोटी। बेसन की रोटी है हमारी। गेहूं की रोटी। अच्छा, नॉर्मल आटा जो होता है ना हमारा। हाँ, गेहूं, हम गेहूं को मंगा के हाँ, पे यूज करते हैं। फ्रेश बिल्कुल। ठीक है, तो ये सिंघाड़े की हो गई, और ये बेसन की, और ये गेहूं। गेहूं और बाकी ये हमारी सब सब्जी वगैरह है, और ये बाटी हो गई, छाछ। हमारी पूरी थाल आ गई है, जिसमें आपको मैंने दिखा दिया कि उन्होंने हमें कितनी तरह की सब्जियां दी। आप देख सकते हो कितनी तरह की यहाँ पे सब्जियां रखी है। चना मिला है, ये मिला है, और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। हम लोग खिचड़ी तक भी मिली है। ठीक है, और रोटियां हमारी तीन तरह की हैं, और ये हमारी सत्तू की बाटी है। तो पहले ना मैं आपको दिखाती हूँ बाटी और चोखा टेस्ट करके। तो अभी हमें ये देकर गए हैं भैया, ये देखिए मीठे में उन्होंने हमें खीर दी है। ये आप देखिए, इन्होंने खीर दी है। तो अभी मैं सब चीज़ें टेस्ट करके आपको प्रॉपरली बताती हूँ कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। देखने में तो सब बहुत ही लजीज लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये हमारी सत्तू की बाटी है, और ये देखिए बाटी में स्टफिंग, देखिए आप सत्तू की कितनी अच्छी सी स्टफिंग हुई है सत्तू की। और मैं अब चोखे के साथ टेस्ट करने जा रही हूँ। तो ये हम जा रहे हैं टेस्ट करके बता रहे हैं। जैसे ट्रेडिशनल स्टाइल चोखा होता है, उसमें जो है हमारे सरसों का तेल पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे रहा है, और बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। और बाटी में जो हमारी सत्तू की स्टफिंग है, वो भी बहुत अच्छी है। अब तक की सबसे अच्छी स्टफिंग मुझे यही लग रही है। आप ऐसी स्टफिंग खा सकते हो, बहुत मज़े की, बहुत अच्छा मसाला लगा हुआ है। तो अब मैं जा रही हूँ सिंघाड़े की रोटी ट्राई करने। इसमें देखिए आप, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको घी के साथ दिया है। ये देखिए कितना अच्छे से घी में डूबी हुई है पूरी। और साथ में जो इन्होंने तुरई की सब्ज़ी दी है, जिसका इन्होंने नाम बताया ननुआ। मैंने, मुझे पता नहीं था कि इसे ननुआ भी बोलते हैं। मैं तो शेफ तुरई बोलती थी, बट गाँव में ननुआ बोलते होंगे। तो मैं टेस्ट करके आपको बता दूँ। बहुत डिफरेंट रोटी है। मैंने इससे पहले बाजरे की खाई है, बेसन की भी मैंने ट्राई करी है, बट सिंघाड़े की रोटी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, डिफरेंट है, और इस सब्जी के साथ बहुत ही टेस्टी लग रही है। मस्ट ट्राई करिएगा आप यहाँ पर आकर। तो अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी और चपाती, नॉर्मल सी चपाती है, जिसपे बहुत ढेर सारा घी लगा हुआ है। घी का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, देसी घी का, बहुत अच्छा। और ये हमारी गट्टे की सब्ज़ी है, जो भैया ने बताया बेसन से बनती है। ठीक है, तो मैं इसे टेस्ट करके बता रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ खंडी बनती है ना, उसी तरह का टेस्ट दे रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और चपाती में इतना अच्छे से घी लगा हुआ है कि ना, वो उसके फ्लेवर को और बढ़ा रही है। और जो हमारा गट्टा है, देखिए आप, अच्छे से प्रॉपरली कुक्ड है। ये देखिए बहुत अच्छे से कुक्ड है, और ये देखिए इसके साथ मैं खा रही हूँ। और साथ में जो इन्होंने चने दिए, वो भी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे हैं। अच्छे टेस्ट में चाट में। तो अब मैं बेसन की रोटी ट्राई करने जा रही हूँ और छोला। तो मैं देखती हूँ, काफ़ी घी लगा हुआ है इस रोटी में भी, और
छोले के साथ मैं इसे ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि ये टेस्ट कैसा है इसका। तो बेसन की रोटी बहुत ही हल्की है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है, रोटी बहुत अच्छे से बनी हुई है, कुक्ड है प्रॉपर। और छोले का है थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है, बाकी ओवरऑल टेस्ट सही है, स्पाइस सही है, नमक थोड़ा सा कम है छोले में, एक तीखापन नहीं है छोले में जो होना चाहिए, बाकी सही है। तो मैं कढ़ी ट्राई करने जा रही हूँ, कढ़ी पकौड़ा इनकी। तो आप देखिए पकौड़ा तो इनका बड़ा ही सॉफ्ट है, देखिए माउथ मेल्टिंग है, जैसे काफ़ी माउथ मेल्टिंग है, जैसे मुँह में जा रहा है, घुला जा रहा है। और कढ़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से कुक्ड की गई है। तो अब मैं ना इनकी खीर ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कैसी है। तो आप देखिए पास से मैं आपको खीर दिखा रही हूँ, आप देखिए इसमें राइस साफ साफ आपको राइस दिख रहे होंगे, तो जैसे फिरनी होती है हमारी वैसे ही बनी हुई है गांव स्टाइल की, और चिरौंजी वगैरह पड़ी हुई, ड्राई फ्रूट्स तो अच्छी है ओवरऑल, एक जैसे होनी चाहिए ना वैसी है। भी ट्राई करके बताती हूँ कैसी है। बहुत अच्छी, बहुत फ्रेश है, और इतना हैवी खाने के बाद छाछ चाहिए ही आपको, क्योंकि अगर आप एक थाल मंगाएंगे तो उसमें 2 से 3 लोग खा सकते हैं आराम से, इतनी क्वांटिटी है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो जब आप इतना हैवी खा लोगे तो आपको डाइजेस्टिंग के लिए भी कुछ चाहिए, तो ये छाछ बहुत टेस्टी है, बहुत देसी है और बहुत अच्छी लग रही है और बहुत रिफ्रेशिंग है। हमने खाना खा लिया, ओवरऑल टेस्ट इसका बहुत अच्छा था, बिल्कुल देसी स्टाइल का खाना खाना है तो आप यहाँ पे ज़रूर आना। और ये जो थाल थी ना, तो ये तो ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्ट इसमें अच्छा है आपको मिलेगा। और यहाँ का एम्बियंस तो मैंने आपको दिखा ही दिया, कितना अच्छे से बना है, बहुत सुकून भरी जगह है। तो अगर आप कभी यहाँ पर चिनट हाईवे से निकलिएगा बाराबंकी रोड पर, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। तो अब हमने ना अदरक की चाय, यहाँ की बड़ी फेमस है, तो हमने यहाँ पे अदरक की चाय भी ऑर्डर करी है। तो हमारी चाय बनने का ये आती है, जब तक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, देखिए आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा गांव लग रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं गांव आ गई हूँ। पानी देख रहे हैं हम लोग यहाँ, इसमें का पानी कैसा निकलता है, रोक दो मैं देखती हूँ पानी कैसा है। तो ये देखिए, ये इसका पानी है, और ये मेरी फ्रेंड जो है पीकर टेस्ट करके बताएगी, जल्दी से ये पानी पीकर बताओ, अमृत वाला पानी है, प्लीज़ पियो। तो हमने ना यहाँ पे कुल्लड़ चाय बड़ी फेमस है यहाँ की, तो वो मंगाई है, तो हम 2 लोग आए हैं, तो 2 चाय भी आई है हमारी गर्मा गर्म। और देखिए कुल्लड़ भी इनका पेंटेड है, अच्छा लग रहा है डिज़ाइन बना हुआ। और अब चाय बताती हूँ चाय कैसी है पीकर। तो हमारी कुल्लड़ चाय आ गई, और मैं टेस्ट करके बताती हूँ, बहुत गर्म है, स्मेल से तो इलायची और अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, तो बताती हूँ। बहुत सोंधी चाय है, जैसे मैं चाह रही थी इसीलिए मैंने यहाँ पर आकर चाय मंगाई, जैसे होती ना सोंधी चाय कुल्लड़ में, और फिर चाय भी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग है, अदरक का भी, इलायची का और लौंग का फ्लेवर के साथ, बहुत टेस्टी चाय है। तो आप चाय भी ज़रूर ट्राई करिएगा यहाँ पर आकर। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे ही आपको लखनऊ की न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करवाती रहूँगी। बाकी अगर आपको कोई भी प्लेसेस का ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर जाकर आपके लिए ब्लॉग बना लूँगी। बाकी जो लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप आउट स्टेशन जाइए लखनऊ के और ब्लॉग्स बनाइए, तो सून वो भी होने वाला है। तो फिलहाल अभी आप लखनऊ के मज़े लीजिए और मैं लखनऊ का मज़ा